हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी आलू। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है, तो आइए फ्रेंड्स बनाते हैं मेथी आलू। ये मैंने मेथी ली है 250 ग्राम, और मेथी के सिर्फ मैंने पत्ते ही निकाले हैं, डंडियाँ मैंने निकाल के फेंक दी हैं। और मेथी को अच्छे से साफ़ करके मैंने 2-3 पानी में धो लिया है। और ये मैंने 3 आलू लिए हैं, उबले हुए आलू हैं ये, और एक बड़ा लंबा कटा हुआ प्याज, और एक दो मिर्ची हैं लंबी कटी हुई। तो आइए अब बनाते हैं मेथी आलू, और जो जो मसाले डलेंगे वो साथ साथ में बताती जाऊंगी। अब मेथी आलू को तड़का लगाने के लिए गैस ऑन करते हैं। अब मैं डालूंगी सरसों का तेल, दो चम्मच। अब तेल को गर्म होने देंगे। अब तेल गर्म हो गया है, मैं डालूंगी जीरा एक छोटा चम्मच, हींग चौथाई चम्मच। अब तेल गर्म हो गया है, अब मैं डालूंगी प्याज ब्राउन होने तक भून लेंगे, और इसी के साथ में डालूंगी हरी मिर्ची। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं, अब मैं डालूंगी उबले हुए आलू। अब मैं डालूंगी मसाले, छोटा आधा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला छोटा आधा चम्मच, लाल मिर्च छोटा आधा चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू के साथ सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब मैं डालूंगी मेथी के पत्ते, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी के पत्ते और आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं ढक्कन लगा के 2 से 3 मिनट तक सब्जी को पकाऊंगी, थोड़ी सिम गैस पे पकाऊंगी। अब खोल के देखते हैं।
लीजिए, मेथी आलू अच्छे से पक गए हैं। लीजिए, तैयार हो गए हैं मेथी आलू। अब मेथी आलू को चपाती परांठे के साथ, पूरी के साथ खा सकते हो। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अगर आपको फ्रेंड्स ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।